800 से 1000 मौतें होती है। हमारे देश में 5 लाख मौतें होती है और 65% 18 से 34 एज ग्रुप में होती है। पिछले बार हमने तय किया था और काम में ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। नागपुर पुलिस आयुक्त और एसपी नागपुर ग्रामीण, इन्होंने भी अध्ययन करके ब्लैक स्पॉट निकाले थे और सेव लाइफ फाउंडेशन ने भी ब्लैक स्पॉट निकाले थे। काफ़ी आइडेंटिफाई हुए और आज मुझे समाधान है कि काफ़ी प्रमाण पर ये उसका काम शुरू हो गया और ये पूरे स्पॉट, अगर ब्लैक स्पॉट इम्प्रूव होंगे तो शायद मरने वालों की संख्या कम से कम 500-600 से कम हो सकती है। वैसे और अच्छी बात है कि स्कूल के सामने जो डेंजरस जोन है, जो छोटे बच्चे क्रॉस करते हैं, उसके लिए भी हर स्कूल के सामने एक डिज़ाइन करके वहाँ बच्चों के एक्सीडेंट कैसे न हो, स्पीड कैसे कम हो, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। रोड के बीच में से जो क्रॉसिंग है उसमें फुट ओवर ब्रिजेस जहाँ जहाँ होके वहाँ डिज़ाइन करके NHAI, स्टेट PWD हम लोग करेंगे ताकि लोगों की सुविधा भी हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पेडिस्ट्रियन है, जो फुटपाथ पर चलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा हिट एंड रन एक्सीडेंट्स हुए हैं और ये अनेक लोग इसमें मृत्यु हुए हैं, सेकंड नंबर पर ये रीज़न आता है। तो अब इसके बाद जो अतिक्रमण फुटपाथ पर हुआ है उसके कारण लोग फुटपाथ पर चल नहीं सकते, तो उसके बारे में भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों का अधिकार है कि फुटपाथ पर चलने का, उनके लिए वो बनी है, सीनियर सिटीजन है, दिव्यांग है, और वो रोड पर चलने लगे तो उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी सीरियसली सभी लोग तुरंत कार्रवाई करें, ये भी सूचना सबको दी है। ठीक है, मेडिकल सर्विसेज लगे उनको। ये क्या है कि जैसे एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के बाद हम एम्बुलेंस में डालकर उसको पहुंचाते हैं, पर अब कार और बस का एक्सीडेंट होने के बाद केवल एम्बुलेंस में होता नहीं, क्योंकि वहाँ से लोगों को निकालने के लिए 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि उसको काटना पड़ता है। तो एक ऐसी 4 गाड़ियाँ जो वेल इक्विप हो, जो कहीं भी एक्सीडेंट हो तो इसमें मदद करे, और एम्बुलेंस के साथ साथ हमारे एक डॉक्टर की ये जाए ताकि जो हॉस्पिटल लाने तक उसको जो इसेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है तो उसकी जान बच सकती है। जैसे मैंने डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जी के बारे में उल्लेख किया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो बोल रहे थे और नागपुर आते आते उनको 1 घंटा लगा। अगर बीच में अगर ऐसी वैन में वो आते कि उनको सलाइन दिया जाता तो वो बच भी सकते थे। तो इसलिए एक जैसे एम्बुलेंस जाएंगी वैसे डॉक्टर का एक पथक भी तुरंत जाएगा, तो कलेक्टर साहब उसके लिए उस प्रकार की वैन पथक की कैसी व्यवस्था हो ताकि वो भी उतने ही 25 मिनट में वहाँ जाए। एक तरफ एक्सीडेंट के बाद कटिंग करना होगा, बाहर निकलना होगा वो भी, और उसका ट्रेनिंग भी हमारे सब लोगों को कैसे मिले, इसका डिटेल प्लानिंग करके हम लोगों की जान बचाने की कैसी कोशिश करनी चाहिए, इसके ऊपर भी गंभीरता से विचार हुआ है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी।